स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 आज हम शुरू कर रहे हैं। 1.3 में हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास सेट ए है 5, 6, 7, सेट बी इज 6, 7, 8 एंड सेट सी इज 7, 8, 9। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए यूनियन लेटर ब्रैकेट बी यूनियन सी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी यूनियन सी की वेन डायग्राम बनाएंगे। ए यूनियन अंडर ब्रैकेट है बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी की वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हो गई हमारी डायग्राम बी की और ये हो गई सी की डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बी है और ये सी है। सो बी और सी में देखते हैं हम कौन से एलिमेंट्स है जो सेम है, जो दोनों डायग्राम्स में आ रहे हैं। बी और सी में है 7 एंड 8। स्टूडेंट्स ये बी और सी की दोनों की एक जॉइंट होती है प्लेस है, तो हम यहाँ पे 7 एंड 8 यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास 7 और 8 आएगी बी सी में। तो अब बी में 6 रह गया है एंड देन सी में 9 रह गया है, जो हमने सी के डायग्राम में लिख दिया। उसके बाद है हमारे पास ए यूनियन। ए की डायग्राम बनानी है हमने। ए को इनके साथ यूनियन करना है। ए के हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है 5, 6 और 7। इसका मतलब ये 6 और 7 ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ क्या कहते हैं डायग्राम ए। ये ए के भी एलिमेंट है 6, 7 और 5 भी ए डायग्राम का एलिमेंट है। तो ए डायग्राम में आ गए 5, 6, 7। बी के एलिमेंट हो गए 6, 7, 8 एंड 9। सी के हो गए 7, 8, 9। तो स्टूडेंट्स जब यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कंप्लीट डायग्राम को इस तरीके से शेप कर देंगे। ठीक है, यूनियन में कंप्लीट डायग्राम शेप हो जाती है। तो ये हो गया हमें वेन डायग्राम के थ्रू ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम बनाते हैं। इसमें है हमारे पास ए इंटरसेक्शन अंडर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी के हम डायग्राम बनाएंगे। बी और सी, बी एंड सी, बी और सी में हमारे पास कौन से एलिमेंट सेम है 7, 8। उसके बाद हमारे पास बी में बाकी कौन सा एलिमेंट रह गया 6, 7, 8 और सी में कौन सा रह गया है एंड देन 9। उसके बाद क्या करेंगे इंटरसेक्शन ए, ए की डायग्राम भी बनाएंगे। ए की डायग्राम में 6, 7 एंड 5। तो ये ए की डायग्राम में 5, 6, 7, बी की डायग्राम में 6, 7, 8 और सी की डायग्राम में 7, 8, 9 आ गया। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन, तीनों सेट्स में हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था। तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, जो तीनों सेट्स में एलिमेंट सेम आ रहा है वो इस केस पर आ रहा है। ठीक है, ये वाली प्लेस ऐसी है जो तीनों सेट्स में ही मिलती है और यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है 7। ठीक है, तीनों सेट्स में 7 हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर आ रहा है। तो ये हो गई ए यूनियन बी, ये हो गई ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गए फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। इसमें हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थे, उसको मैंने सेट टेबुलर फॉर्म में चेंज कर दिया है। पहला सेट था सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। 15 से जो कम थे वो इवन नेचुरल इवन नंबर्स लिखने हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15, 15 से छोटे प्राइम नंबर्स तो हमने लिख दिए। प्राइम नंबर्स वो जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, तो ऑड नंबर्स लेस देन 15 हमने यहाँ लिख दिए टेबुलर फॉर्म में। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी, सेकंड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपके इस फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की तरह है, तो आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। देन थर्ड क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अंडर इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी। सो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है यहाँ पे ए यूनियन सी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, तो इसको हमने इसी डायग्राम में बनाना है क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, तो मैं इसकी भी डायग्राम बना दूंगी। और ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन और इस इंटरसेक्शन से रखते हैं, तो मैंने ये बता दी है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो अब हम इनको ड्रॉप करते हैं, अब हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम बनाएंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये बी है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सी है हमारे पास।
बी और सी में हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट सेम आ रहे हैं, बी सेट और सी सेट। बी और सी में हमारे पास आ रहे हैं ये बी सेट है, ये सी सेट है, 3, 5, 7, 11 and 13 सेम है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3, 5, 7, 11 and 13 जो दोनों के प्लेस पर आ रहे थे। उसके बाद बी का एक और कौन सा एलिमेंट रह गया है, 2 रह गया है, तो हम यहाँ लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 बी के हो गए तमाम एलिमेंट। सी में बाकी कौन सा एलिमेंट्स रह गए, 1 and 9 हमने नहीं लिखा था, तो 1 and 9 आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए सेट हम इलिमिनेट करेंगे। ए सेट क्या है हमारे पास, 2, 4, 6 और 14 तक है, इट्स मीन 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 भी सेट ए में डायग्राम ए में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये ए हो गया डायग्राम, जो 2 है वो बी का भी एलिमेंट है, यहाँ पे 2 ए का भी एलिमेंट दोनों में शो हो रहा है, तो बाकी 2 ए के जो एलिमेंट्स है वो ए के हम डायग्राम में लिख देंगे 4, 6, 8, 10, 12 and 14। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया है। अब यहाँ पे क्या है कि ए यूनियन है, तो हम ए के डायग्राम को इस तरीके से शेप कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देन बी इंटरसेक्शन सी है, बी और सी के दरमियान क्या है, इंटरसेक्शन, इट्स मीन दोनों के जो सेम एलिमेंट्स है, दोनों सेट्स के सेम एलिमेंट्स ये है, तो हम इंटरसेक्शन वाली प्लेस को जो इंटरसेक्शन के आंसर थे उनको हम शेप करेंगे। तो ये हो गई हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने डायग्राम बना दी है डायग्राम। अब हम राइट हैंड साइड की डायग्राम बनाएंगे, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए और बी की डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ए और बी में हमारे पास ये ए है 2, 4, 6, 8, 10 और ये वाले 2, 3, 5, 7, 11 ये बी, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट हमारे पास सेम है, यहाँ पे 2 हमारे पास सेम है, ये ए है ये बी है, बाकी ए के एलिमेंट्स इसमें ऐसे लिख देंगे 4, 6, 8, 10, 12 and 14 और बी के कौन से एलिमेंट्स है, बी के एलिमेंट है हमारे पास, पहले सी के डायग्राम बनाते हैं क्योंकि बी और सी के एलिमेंट सेम है, तो बी के जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए सी के डायग्राम हमारे पास, ये सी के डायग्राम है, ये बी का भी पार्ट है और ये सी का भी पार्ट है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे बी और सी के एलिमेंट्स जो सेम होंगे, बी और सी के एलिमेंट्स कौन से सेम है, 3, 5, 7, 11, 13 तो ये सी में भी आ गए और ये वाले बी में भी आ गए, बाकी सी के एलिमेंट्स 1 और 9 जो सेम नहीं थे वो हमने यहाँ लिख दिए। तो ए में आ गए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 बी में आ गए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड देन सी में आ गए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 13 ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई हमारी डायग्राम। तो हमने क्या करना था, हमने तीन सेट्स थे, तीनों सेट्स का तो यूनियन होना ही था, तो यूनियन हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या थे, इंटरसेक्शन आना था, तीनों का आंसर क्या था, इंटरसेक्शन था, तो तीनों में इंटरसेक्शन किस प्लेस पे हो रहा है, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे जाके ये यहाँ पे ये ए का पार्ट आ रहा है, यहाँ से देखिए ये बी का कुछ पार्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये सी का कुछ पार्ट आ रहा है, तो हमारे पास के तीनों सेट्स में कोई ऐसा एलिमेंट है जो हम यहाँ लिखे या जो हम कह सके जो इंटरसेक्ट कर रहा है तीनों का आंसर बना रहा है, बिल्कुल नहीं। ए में अलग है, अगर ए और बी में 2 मैच हो रहा है तो सी में 2 नहीं है, अगर बी और सी में जो 3, 5, 7, 11, 13 मैच हो रहा है तो वो ए में नहीं है, इट्स मीनिंग इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ये जो एम्प्टी प्लेस है ये हमारा हो गया आंसर हो गया इसका। तो स्टूडेंट्स ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू जो है ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड बना लिए। बाकी स्टूडेंट्स होप कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गई हो, बाकी के 2 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिए गए हैं वो इसी तरीके से करना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।